लोकसभा चुनाव का प्रचार शुरू हो गया है और तारीखों का भी ऐलान हो चुका है। वही होली का त्योहार भी लगभग आ चुका है। इसी को लेकर सदर बाजार मार्केट में होली को लेकर और चुनाव को लेकर किस प्रकार का रुझान है, उसे जानने के लिए एनबी न्यूज के संवाददाता दिल्ली पहुंची और सदर बाजार मार्केट में किस प्रकार की पिचकारियां हैं, वही व्यापारियों की तरफ से कहा गया कि जहां पिचकारियों को खरीदने वाले बढ़ रहे हैं, वही ऐसी भी पिचकारियां हैं जिन पर मोदी और योगी की भी तस्वीरें हैं, लोग उसको सबसे ज्यादा खरीद रहे हैं। वही लोकसभा चुनाव को लेकर भी व्यापारियों की तरफ से स्पष्ट तौर पर कहा गया कि जो उनके लिए अच्छा कार्य करेगा उनको ही वोट देंगे। होली का त्यौहार नज़दीक आ चुका है, मगर यहाँ पर बात करें लोकसभा चुनाव की तो वो भी अब कहीं ना कहीं प्रचार बिल्कुल देखने को मिल रहा है, मगर यहाँ पर बात करें होली के लिए लगातार कहीं ना कहीं पिचकारियों की बात करें या फिर गुलालों की बात करें उसका भी इस्तेमाल जो है वो कहीं ना कहीं होता हुआ नज़र आ रहा है। बच्चे कहीं ना कहीं पिचकारियाँ बिल्कुल मांगते हैं और पिचकारियाँ हम दिखाने की कोशिश करेंगे दिल्ली के सदर बाजार मार्केट में कितनी किस प्रकार की पिचकारियाँ हैं, हर प्रकार की, यानी कि बच्चों के मतलब की जिस तरीके की बात करें वो सभी पिचकारियाँ यहाँ पर मौजूद हैं और हर तरीके की, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो। यहाँ पर देखिए किस किस प्रकार की यहाँ पर पिचकारियाँ हैं, बच्चे जिनको लगातार मांगते हैं और उनके परिजन जो हैं वो यहाँ मार्केटों में खरीदने आ रहे हैं। यहाँ पर बच्चों की बात करें तो छोटी पिचकारियों की बात करें, बड़ी पिचकारियों की बात करें या फिर और तरीक़ों की पिचकारियों की बात करें वो सभी मौजूद हैं, मगर यहाँ पर जिस तरीके से लगातार कलर की बात करें, गुलाल की बात करें तो कहीं ना कहीं डुप्लीकेट कलर की बात करें या फिर कहें ओरिजिनल कलर की बात करें वो भी देखने को मिलते हैं, मगर यहाँ पर हम दुकानदारों से ही जानने की कोशिश करते हैं वाकई में सच्चाई कितनी है। यहाँ पर हम दुकान के अंदर जब तक जा रहे हैं और जिस तरीके से लगातार ये कोशिश की जाएगी कि जो डुप्लीकेट कलर होते हैं जिनसे स्किनों को और ऊपर असर होता है उसके ऊपर कितना फर्क पड़ता है, और दूसरा मार्केटों में लगातार कहीं ना कहीं गुलाल कलर जो है वो डुप्लीकेट भी बिकते नजर आ रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं क्या फर्क है आपके कलर में और उनके कलरों में। देखिए जो हम लोग दुकानदार भाई हैं वो सारे जो हैं जेन्युइन चीज़ें बेच रहे हैं, क्योंकि हमें पता है इससे स्किन खराब हो जाती है, आँखें खराब हो जाती हैं, और दुकानदार जो गलत माल बेचने लग जाएंगे तो कुछ रह ही नहीं जाएगा दुनिया में जो है। तो पटरी के ऊपर जो है सारा डुप्लीकेट माल बिक रहा है 90%, वो इसलिए बिक रहा है क्योंकि पटरी वालों का आज यहाँ है कल वहाँ है, तो हम लोग जेन्युइन इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने यहीं बैठना है और खुद हमारे बच्चों ने भी वही चीज़ जो हम बेच रहे हैं यूज़ करनी है होली पे जो है। तो और बाकी जो बड़ी कंपनियाँ हैं उनका बाकी लोगो लगा होता है, बार कोड लगा होता है, ई मेल एड्रेस लगा होता है, वो सारा आप चेक करो, आप दुकानदार से बिल मांगोगे दुकानदार बिल भी दे देगा आपको GST का। यहाँ पर बात करें डुप्लीकेट कलर की तो उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं पैकिंग इस तरीके से की जाती है कि होल मार्क की बात करें या और चीज़ों की बात करें वो भी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। ये तो गवर्नमेंट को चाहिए ना इसको बैन लगाना, देखना चाहिए गवर्नमेंट को, हम भी कहाँ तक देखेंगे। अभी कल परसों की बात है हम लोगों ने यहाँ गुलाल की एक दुकान बंद कराई है, उसने टोटल गुलाल जो है डुप्लीकेट रखा हुआ था उसके अंदर जो है। तो ऐसे ही है, लोगों को जागना पड़ेगा क्योंकि देखना पड़ेगा कि बच्चों का सवाल है, होली ज़्यादातर बच्चे खेलते हैं तो ये बच्चों की स्किन एक बार खराब हो जाए वो ठीक नहीं होगी, सारी जिंदगी खराब रहेगी, फिर आंखें खराब। इसकी बात करें जिस तरीके से लगातार बहुत सारी पिचकारियां हैं, ऐसी पिचकारियां कौन सी हैं जिसको सबसे ज़्यादा खरीदा जा रहा है? देखो जी अब इलेक्शन का टाइम है, इलेक्शन का माहौल है, अब मोदी जी योगी जी का नाम चल रहा है इस टाइम जो है पूरे UP हरियाणा में, जहाँ भी चले जाओ आप तो BJP का डंका चल रहा है। तो इसी हिसाब से आप देखो जिस पिचकारी को आप देख रहे हो, जो भी नई पिचकारी आ रही है उस पर BJP अपना ये मोदी जी और योगी जी छाए हुए हैं, और बच्चे भी आगे मांग रहे हैं कि हमें मोदी जी की पिचकारी दो, योगी जी की पिचकारी दो, तो हमें भी खुशी है इस बात की। बाकी राहुल गांधी जी की और सोनिया